the man walking out, Dilip Vengsarkar, who had such a successful tour of England. Bharat ke viruddh isi ground ke upar border mein bahut hi dangerous shot ekdam usko border ki gend ko half volley par lete hue Vengsarkar ne extra cover bound kiya. The two managers, Prasanna and Bob Simpson. अंपायर के सिग्नल का इंतजार करेंगे कि लेग बाई है या बल्ले से गई. पावर शॉट लेग पर खड़े हैं वेलेटा. चार रन के लिए वेंगसरकर ने बिल्कुल वही सही तरीका अपनाया जो कि गावस्कर ने अपनाया था. फील्डर के सिर के ऊपर से मैथ्यूज को वेंगसरकर करके उस शॉट का और फिर उठाया वेंगसरकर और अब कैसे बॉल अंपायर का इशारा चार रन का दूसरा चौका लगातार. वेंगसरकर ऑलरेडी कमिंग डाउन द विकेट. मैथ्यूज बॉलिंग अ क्विकर वन. आई थिंक इट्स ऑफ द पैड. To Vengsarkar. और ये बहुत ही अच्छा शॉट था. तेजी से बढ़त ले और ज्यादा बढ़त ले. उन्हें जितना समय लगे उतना उनके लिए ठीक हो. डॉक्टर से निकाल दिया है. मिडॉन और मिडविकेट के बीच में मैथ्यूज बहुत तेजी से बॉल के पीछे दौड़ रहे हैं जब तक वो बॉल वापस कर सके. तीन रन मिले भारत को. तीन रन वेंगसरकर को. एज्ड टू थर्ड मैन फास्ट बुलेट स्लिप. It was in the air and Boone diving to his right couldn't get it. Right Vengsarkar ko aur isko pull kar diya hai fielder ke sir ke upar se boundary line se koi do gaj pehle se takhaya ball ne lagane ke alawa aur bhi koi unhone abhi tak stroke nahi lagaya aur bahut hi khoobsurat square kar ekdam us slightly short of length ball ko के पास दो रन की और कमी वेंगसरकर को अपना शतक पूरा करने के लिए. और इस शॉट के साथ वेंगसरकर का भी शतक पूरा. वेंगसरकर की ये 12वां शतक है उनके टेस्ट जीवन का. इस प्रकार आज खेल के चौथे दिन वेंगसरकर ने अपना शतक पूरा किया. बड़ा शानदार शतक बिना कोई चांस दिए. फील्ड के हर कोने पर वेंगसरकर ने शॉट लगाए. उनकी ड्राइविंग उनकी कटिंग सभी देखने योग्य थी. एक बहुत ही से मारा है वेंगसरकर ने. भारत 406 पांच विकेट के ऊपर 106 रन.
कुछ स्क्वेयर लेग इन पे। It was in the air as it passed Alan Border, who died. This time to the extra cover fence. Venkatar in full flow. Dilip Vengsarkar, a great driver of the ball, first hitting him on the onside, fast border, outside right hand to the mid-wicket boundary. केवल दो ही रन मिले।